स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला टॉपिक है तीसरे चैप्टर का हिंदी मीडियम में दूरी, डिस्टेंस। आपने नाम तो सुना होगा दूरी का, इसकी परिभाषा देखते हैं बेटा। दूरी की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, कोई वस्तु है किसी समय अंतराल में। समय अंतराल का मतलब होता है, मान लीजिए ए बिंदु पर, ए बिंदु से बी बिंदु तक, यहाँ समय आपके पास 15 सेकंड था, 15 सेकंड में आपने चलना शुरू किया, बी बिंदु पर पहुंचे, यहाँ समय हो गया 35 सेकंड। तो समय अंतराल क्या हो जाएगा, ये T1 और ये T2 हो तो समय अंतराल हो जाएगा T2 - T1, तो ये आ जाएगा 35 - 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 20 सेकंड। तो ये समय अंतराल कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई, ध्यान दें कैसा पथ होगा, वास्तविक पथ। वास्तविक मतलब यहां से लेकर यहां तक, जो वास्तविक पथ है। वास्तविक का मतलब जहां से वस्तु या कण या पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस रास्ते से गया है वो वास्तविक पथ है। उस वास्तविक पथ की जो लंबाई है वो लंबाई आपकी कहलाती है दूरी। ठीक है जी, आगे देखो, दूरी दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है। जो दूरी है, जो एक बिंदु से अगर कोई व्यक्ति दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसकी पथ की जो लंबाई है उस लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी सदैव कैसी होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, ध्यान रखना। दूरी ना तो ऋणात्मक होगी और ना ही जीरो होगी। दूरी अगर है तो वो कैसी होगी, धनात्मक होगी, या आपको ध्यान रखना है। दूरी एक कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। बेटा आप दूसरे पाठ में सदिश और अदिश पढ़ रहे होंगे, तो दूरी जो है, दूरी का जो दूरी है उसकी कोई दिशा नहीं होती। भाई आपको मैंने कहा कि आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो आप किधर तय कर रहे हो, कोई दिशा नहीं है। 10 किलोमीटर किधर गए, आप पूर्व में गए, पश्चिम में गए, किधर गए, तो कोई दूरी की कोई दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। तो जो दूरी है वो कैसी राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है बेटा, मीटर। दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। समझते हैं एक एग्जांपल से दूरी को। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक चलता है 4 मीटर ए से बी, और फिर सी की तरफ जाता है और यहां सी बिंदु है 6 मीटर। तो व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की गई, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, वास्तविक पथ की लंबाई ए से बी और बी से सी, इसका मतलब 4 + 6, तो 10 मीटर की दूरी उस व्यक्ति ने तय की। दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 10 मीटर। अगर वृत्ताकार पथ की बात करें तो वृत्ताकार पथ में मान लीजिए कि यहाँ ए से कोई व्यक्ति, 8 त्रिज्या का कोई वृत्त है और ये केंद्र है इसका, ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पहुंच जाता है वापस से ए पर ही, तो उसने कितनी दूरी तय की गई, दूरी तय की उसने 2πr, यानी कि परिधि के बराबर। जो वृत्त की परिधि है उसी के बराबर पूरा एक चक्कर लगा दिया, और पूरा एक चक्कर लगाया कितनी दूरी हुई, 2πr। ठीक है, और अगर यहाँ पे बी बिंदु पे आ जाता, वो बी बिंदु पे अर्धवृत्त बना देता, तो फिर अर्धवृत्त के लिए दूरी क्या आ जाएगी, अर्धवृत्त के लिए दूरी, अर्धवृत्त के लिए दूरी आ जाएगी πr। ठीक है, अच्छा जी, यहां ए से चलना प्रारंभ किया, बी पे आ गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी, πr। ठीक है, अब इसको ऐसे बोला जा सकता था कि भाई दिशा के आधार पर देखें तो ये देखो, ये आपका पूर्व होता है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 मीटर पूर्व की ओर जा रहा था, ये पूर्व हो गया, फिर उसके बाद बोला गया आपसे कि तत्पश्चात वो 6 मीटर किधर जाता है, उत्तर की ओर, तो बताओ दूरी कितनी हुई, तो दूरी सिंपल, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई कितनी आ गई, 4 + 6 = 10 मीटर। तो इस प्रकार से हम दूरी को समझ सकते हैं। वृत्ताकार पथ में मैंने आपको बता दिया, अर्धवृत्त में बता दिया, और दिशा के आधार पर भी आपको कैलकुलेट करके बता दिया। दूरी का मात्रक आपका एमकेएस पद्धति में मीटर है, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट इसको, दूरी को करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।
और कोई भी दिक्कत हो टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आरसीआई की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।